नमस्कार दोस्तों, एज पर योर रिक्वेस्ट इन दिस वीडियो आई विल डिस्क्राइब अबाउट व्हाट इज थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से बहुत ही सिंपल वर्ड्स में थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट पे मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अब तक आपने इसे नहीं देखा तो प्लीज जाकर देखिए। दोस्तों मैं आपसे आह्वान करता हूं कि मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम को समझने से पहले हमें लीनियर नेटवर्क क्या होता है ये समझना बहुत ही जरूरी है। ए नेटवर्क इन विच द पैरामीटर्स ऑफ एलिमेंट्स आर एल सी एटसेट्रा आर कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू करेंट और वोल्टेजेस। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नेटवर्क में आर एल और सी एटसेट्रा कोई भी एलिमेंट है उसका पैरामीटर्स कांस्टेंट होने चाहिए, वो किसी करंट या फिर वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो नेटवर्क एक लीनियर नेटवर्क होगा। इसके एग्जांपल्स हैं सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। बड़ा ही सिंपल था दोस्तों। नॉन लीनियर एलिमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर एटसेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इंडक्टर है और यहाँ जो इंडक्टर है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो इंडक्टर है दोस्तों ये इसका कोर सैचुरेटेड होगा तब वो नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाएगा, और अगर ये सारे नॉन लीनियर एलिमेंट्स में से कोई भी एक किसी सर्किट में या किसी नेटवर्क में है तो वो नेटवर्क नॉन लीनियर नेटवर्क कहलाएगा। ये हो गया लीनियर नेटवर्क। अब हमें एक और टर्म के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है जो कि है एक्टिव नेटवर्क। एन एक्टिव नेटवर्क कंटेन्स एटलीस्ट वन वोल्टेज सोर्स और करेंट सोर्स दैट कैन सप्लाई एनर्जी टू नेटवर्क इनडेफिनेटली। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक्टिव नेटवर्क में कम से कम एक वोल्टेज सोर्स या फिर एक करेंट सोर्स होना चाहिए जो कि एनर्जी सप्लाई कर सके। अब ये एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं दोस्तों, इसीलिए यहाँ लिखा है इट कैन कंटेन वन और मोर सोर्सेस। अब इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करें तो बैटरी और जनरेटर होंगे। बैटरी डीसी के लिए है और जनरेटर एसी के लिए है। एक्टिव एलिमेंट्स कैन इंजेक्ट पावर टू द सर्किट, प्रोवाइड पावर गेन एंड कंट्रोल द करेंट फ्लो विद इन द सर्किट। अब एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं जैसे कि बैटरी और जनरेटर वो किसी सर्किट में क्या करते हैं, पावर इंजेक्ट करते हैं, प्रोवाइड पावर गेन प्रोवाइड करते हैं और करेंट फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं। अब पैसिव नेटवर्क्स डू नॉट कंटेन एनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, दे कंसिस्ट ऑफ पैसिव एलिमेंट्स लाइक रजिस्टर एंड कैपेसिटर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पैसिव नेटवर्क में कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं होगा। एक्टिव एलिमेंट क्या था, बैटरी या जनरेटर या फिर कोई भी वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स नहीं होगा, उनमें ओनली रजिस्टर्स या कैपेसिटर्स होंगे। तो वो सारे नेटवर्क्स क्या हो जाएंगे, या फिर इंडक्टर्स भी हो सकते हैं, वो सारे नेटवर्क्स क्या हो जाएंगे, पैसिव नेटवर्क। अब हम थेवेनिन थ्योरम को समझेंगे। ए लीनियर एक्टिव आरएलसी नेटवर्क व्हिच कंटेन्स वन और मोर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लीनियर एक्टिव आरएलसी नेटवर्क में अगर एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट वोल्टेज या फिर करंट या फिर दोनों टाइप के सोर्सेस हैं तो उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ एक ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में इक्विवेलेंट इम्पीडेंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मैं आपको नेटवर्क की सहायता से बताता हूं। देखिए जैसे ये नेटवर्क है, यहाँ क्या है, ए लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग सेवरल ईएमएफ्स एंड इम्पीडेंस। यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है मान के चलिए। अब यहाँ इसके अक्रॉस में एक लोड कनेक्टेड है जिसके थ्रू करेंट आई फ्लो हो रहा है और वोल्टेज है वी। तो इस नेटवर्क का अगर हम थेवेनिन मॉडल बनाएंगे दोस्तों तो थेवेनिन मॉडल इस तरह होगा। सिंगल ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स, देखिए यहाँ सिंगल ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स लिखा है, वही सिंगल ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स जिसे हम वीओसी कहेंगे, और इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जेड इक्विवेलेंट
के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो ओपन सर्किटेड वोल्टेज सोर्स है ना, ये कहां से आएगा? अगर हम इस टर्मिनल को ओपन कर देंगे, मतलब कि ये लोड को ओपन कर देंगे, तो यहाँ जो भी वोल्टेज होगा वही ओपन सर्किटेड वोल्टेज होगा, जिसे हम VOC कहेंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर यहाँ VOC होगा तो करंट क्या होगा? क्योंकि ये टर्मिनल ओपन सर्किटेड है, इसीलिए ये वाला जो करंट है ना I, वो जीरो हो जाएगा। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ओपन सर्किटेड वोल्टेज बिटवीन A एंड B व्हेन I इक्वल टू जीरो। अब हमने नॉर्टन थ्योरम को समझेंगे। नॉर्टन थ्योरम सिमिलर है, बस उसमें एक जो वोल्टेज सोर्स, ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स जो था, उसके जगह हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स, और इक्विवेलेंट इंपेडेंस को हम इस बार संट में कनेक्ट करेंगे। संट में कनेक्ट करने का मतलब पैरेलली कनेक्ट करेंगे। इसको एक बार और फिर से देखते हैं, ए लीनियर एक्टिव आरएलसी नेटवर्क विच कंटेन्स वन और मोर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करेंट सोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल शॉर्ट सर्किटेड करेंट सोर्स इन संट विद इक्विवेलेंट इंपेडेंस। इसका मतलब यही हुआ कि किसी लीनियर एक्टिव आरएलसी नेटवर्क में, जिसमें कि एक या एक से अधिक डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट वोल्टेज या फिर करंट या फिर दोनों टाइप के सोर्सेस हैं, उसको हम डायरेक्टली एक शॉर्ट सर्किटेड करंट सोर्स एंड उसके पैरेलल में इक्विवेलेंट इंपेडेंस के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। इसको भी मैं आपको नेटवर्क की सहायता से समझाता हूँ। देखिए एक कॉम्प्लेक्स लीनियर एक्टिव नेटवर्क है, जिसमें कि कुछ ईएमएफ सोर्सेस हैं एंड इंपेडेंसेस हैं। इसके अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी पे कोई लोड है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज वी है और करंट आई फ्लो हो रहा है। इसको अगर हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट के थ्रू दिखाएंगे, तो इसका नॉर्टन्स मॉडल में क्या जाएगा, एक शॉर्ट सर्किटेड करंट सोर्स उसके पैरेलल में या फिर उसके संट में जेड इक्विवेलेंट। अब ये जो ISC है, ये कैसे आएगा, हम जब ये A और B टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे, A और B टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज V इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये यहाँ जो करंट फ्लो होगा, मतलब ये जो I फ्लो होगा, वो क्या होगा, ISC। इसीलिए ISC मैंने यहाँ क्या लिखा है, देखिए शॉर्ट सर्किटेड करंट बिटवीन A एंड B व्हेन V इक्वल टू जीरो। V इक्वल टू जीरो मतलब कि इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, सिंपल था ना बड़ा। अब मैं आपको यहाँ जो जेड इक्विवेलेंट हमने यूज किया है थेवनिन और नॉर्टन्स दोनों में, उसे निकालने का तरीका बताऊंगा। देखिए ये थेवनिन एंड नॉर्टन्स मॉडल हो गए। अब यहाँ अगर हमें जेड इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, VOC by ISC। ये एक बड़ा ही सिंपल तरीका है। अगर हमें VOC पता चल गया, ISC पता चल गया, तो VOC डिवाइडेड बाई ISC करेंगे तो जेड इक्विवेलेंट आ जाएगा। जेड इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट्स इक्विवेलेंट इंपेडेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द नेटवर्क व्हेन, देखिए जेड इक्विवेलेंट क्या है, ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में जो इंपेडेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कब, देखिए इसमें याद रखिएगा, ये लोड इंपेडेंस को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि हम तो इसको थेवनिन मॉडल और नॉर्टन्स मॉडल में यहाँ शो कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर इसके इस जो हम लोग का बॉक्स के अंदर में जितना इंपेडेंस था उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसके कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशंस क्या है कि ऑल द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस आर शॉर्ट सर्किटेड और रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इंपेडेंस। अगर कोई भी नेटवर्क में हमें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिखाया है या दिया हुआ है, तो उसका हम या तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और अगर उसका कोई इंटरनल इंपेडेंस दिया हुआ है तो उसको उसके इंटरनल इंपेडेंस से रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली अगर इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ शॉर्ट सर्किट किए थे वोल्टेज सोर्स को, तो करंट सोर्स को क्या करेंगे आप बताइए, या तो ओपन सर्किटेड कर देंगे, या फिर अगर उसका इंटरनल इंपेडेंस दिया है तो इंटरनल इंपेडेंस से रिप्लेस कर देंगे। अब लास्ट में आता है, अगर डिपेंडेंट करंट सोर्स या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दे दिया तब क्या करेंगे, तो उसको एज इट इज रख देंगे। इसीलिए दीज सोर्सेस आर नाइदर शॉर्ट सर्किटेड नॉर ओपन सर्किटेड। सिंपली ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों ये दोनों थ्योरम कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होंगे और कहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगे, मैं आपको ये बताऊंगा। द थ्योरम इज ऑलवेज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्सेज, चाहे एसी हो या डीसी हो, ये दोनों थ्योरम एप्लीकेबल होगा। सेकेंड है, द नेचर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट वेदर रजिस्टिव और कॉम्प्लेक्स, मतलब कि
या तो नेटवर्क में सिर्फ रजिस्टिव एलिमेंट है या फिर इंडक्टर कैपेसिटेंस है, तब भी दोनों ही केस में ये दोनों थ्योरम एप्लीकेबल होंगे। बट ये थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? जहां नॉन लीनियर एलिमेंट आ जाएंगे और दूसरा यूनिलैटरल एलिमेंट आ जाएंगे। नॉन लीनियर एलिमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया था, यूनिलैटरल एलिमेंट क्या होता है? ए सर्किट हुज ऑपरेशन बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू वेरियस एलिमेंट इज कॉल्ड यूनिलैटरल नेटवर्क। मतलब कि अगर किसी भी नेटवर्क में ऐसा है कि उसका ऑपरेशन इस पे डिपेंडेंट करता है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो नेटवर्क यूनिलैटरल हो जाएगा। इसको अगर आपने नहीं समझा तो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो बड़े आसानी से आप समझ जाएंगी। देखिए, कोई भी सर्किट है जिसमें डायोड्स होते हैं, तो डायोड क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो को अलाउ करता है, दूसरे डायरेक्शन में ब्लॉक कर देता है। इसीलिए क्या होगा, सर्किट कंजिस्टिंग डायोड्स विच अलाउज फ्लो ऑफ करंट ओनली इन वन डायरेक्शन इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ यूनिलैटरल सर्किट। अगर दोस्तों अब तक आप लोगों ने इस थ्योरी को अच्छी तरह से समझ लिया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन भी बना लेंगे। ये आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन है, इसे आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसे बनाने का ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं इसका सॉल्यूशन डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में ला कर दूंगा। ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।